तो इसका तो अभी मैं रिव्यू बनाता हूँ, बढ़िया सा भी बनाऊंगा इसके रिव्यू बनाऊंगा। देखो ना ये ऐसे बंद हो जाएगा, ये बंद भी हो जाएगा, ये मुझे आइडिया अच्छा, ये एज इट इज जो है एज इट इज बंद होता है बहुत ही, इसको एज इट इज पीछे, ये सबसे मतलब सबसे स्पेशल, ये सबसे बढ़िया लगा, सही कह रहे हो, इसमें सामान गिरेगा भी नहीं, 6 फुट बाई 4 फुट का प्रॉपर है, बेड भी है देखो, इसका मेरे ख्याल प्लाई के हिसाब से इसका वेट भी कम आएगा, 25 केजी, ये उठा के निकाल लो, हाँ निकाल के आपको जमीन पर रख रहे हैं, आप जमीन पर रख लो, घर में भी घर में, एक्चुअली ये घर में रहता है, जब जाते हैं तभी रखो, बहुत ही बढ़िया है ये चीज, ये हमारा ये तैयार हुआ है, वैसे तो ये 8,000 का है लेकिन 7,000 का लगभग, लेकिन इसमें ये चीज है ना थोड़ी महंगी लग रही है, कहाँ से बनवाया आपने ये, बद्दी से, ओके वो भी एक्सपर्ट हो गया। पहुंच गए जी अपनी कैंपिंग लोकेशन में, देखिए माहौल देखिए आप, यहाँ से लेके आता दुबे जी, नमस्कार सर, क्या कर रखा है आप, खिलवाड़ क्या कर रखा है बताओ। हमारा किचन का सेटअप है, हाँ, और इनबिल्ट बेडरूम बना है, 1 BHK है हमारा। अच्छा, आप अगर चाहे तो अपनी फैमिली को ले जाके इसको गाड़ी ले जाके घूम सकते हैं। सर आपने तो छा गए, तो थोड़ा सा मुझे समझाइए किचन का आपने कैसे कैसे बनाया। सर हमने इसमें ये MS का सेटअप, एक मिनट सर थोड़ा सा म्यूजिक, अच्छा आ गया आ गया आ गया आ गया बस आ गया। यस दुबे जी क्या बता रहे थे किचन के बारे में। ये हमारा MS का है, सीट का बनाया हुआ है, पाइपिंग करके इसका फ्रेम बनाया हुआ है MS का। अच्छा, और इसका 3 फुट इसकी चौड़ाई है जी, 20 इंच इसकी हाइट है और 12 इंची डेप्थ है। अच्छा, इसमें यहाँ से चूल्हा भी अंदर इनबिल्ड है, आगे गैस सिलेंडर लगा हुआ है, पीछे बगल में पानी का पंप है और पानी इनबिल्ड है, गैस भी है। वैसे साहब मैंने बहुत देखे हैं बट MS का आज तक नहीं देखा, ये तो पहली बार है ऐसी, और ये कैरेंस है, किया कैरेंस, किया कैरेंस है जी जी, सेवन सीटर किया कैरेंस है। अच्छा, और ये अपना डिजाइनिंग किया हुआ है, ये आपका अपना डिजाइन किया हुआ है, इसी गाड़ी के हिसाब से UPS लगा हुआ है। अच्छा, UPS भी लगा रखा है, हाँ जी, पावर बैंक भी मिलेगा आपको। चलिए वो पहले किचन के बारे में बताइए, किचन में आपने एक तो लगा रखा है अपना हब, ये आपका 2 बर्नर हब, 2 बर्नर का लगा रखा है गैस चूल्हा जी, नीचे इसमें स्टोरेज है, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ठीक है दिख रहा है, हमारा एसेंशियल रखने के लिए है, और ये हमारा वाटर पंप है, वाटर पंप हो गया आपका, ये हमारे इसकी, ये हमारा बॉक्स ऊपर से बंद हो जाता है। अच्छा, बंद भी हो जाता है। अच्छा, अगर ओके, हम इसको में अर्जेंट में जाना हो जी, तो 2 मिनट में हम आपके अपने ये बंद करेंगे ऐसे। जी जी जी, सामान को अंदर करा आपने, सामान को अंदर एडजस्ट करा और ये बंद हो गया, ये अंदर कर दिया, ये अंदर कर दिया, ठीक है, ये इसका स्टैंड निकालना है, स्टैंड निकालना है और इसके बाद ये अंदर चलेगा, तो ये किचन यूनिट भी बाहर आ जाती होगी। किचन यूनिट बाहर इसलिए नहीं आती कि हमने इसमें रैक नहीं लगाए। अच्छा, अगर हम उसको रैक लगाना चाहें तो इसमें रेल लगा के आप बाहर कर सकते हैं, जरूरत नहीं बाहर की। अच्छा, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किचन यूनिट इसको, हाँ, ये पोर्टल आपको चाहिए बाहर ले लो, बाहर ले सकते हैं ना ये ओके, फोल्डेबल लेके आ, ओके ओके, निकाल के बाद मैं समझ गया, बिल्कुल मैं समझ गया जी। तो सर थोड़ा सा आइडिया दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, इसकी कॉस्टिंग कितनी है। सर ये हमारे को ये थोड़ा कॉस्टली है, ये आइटम लगे हुए हैं जी दुबे जी, लगभग 10 से 11 हज़ार के बीच में पड़ेगा बॉक्स अकेला। अच्छा, 10 से 11 हज़ार के बीच में बॉक्स पड़ गया, हाँ। बाकी जो सामान है गैस चूल्हा ये बर्तन वो एक्स्ट्रा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो और ये जो पाइप आ रहे हैं ये सर गैस का पाइपलाइन है। अच्छा, ठीक है, अपना सिलेंडर आपका 5 kg का सिलेंडर लगा हुआ है, हाँ, और एक यहाँ पाइपलाइन एक्स्ट्रा है, 3 बर्नर, मतलब ये 2 बर्नर हमारे ये हो गए जी, आपको बैठ के खाना बनाना है तो बैठ के। अच्छा, ये बहुत बढ़िया, ये अच्छा गर्म दुनिया, हाँ। अच्छा, ये आपने सही है, कभी हाँ कुछ बारबेक्यू करना है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है तो एक्स्ट्रा पानी गर्म करना है, हाँ हाँ, अरे ये तो सर्दियाँ है, पानी गर्म, एक्स्ट्रा पानी गर्म हो रहा है, ये बहुत अच्छा, ये भी अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपका आइडिया, सीरियसली ये तो, इसमें क्या एक अपना बर्नर बाहर लेंथ ले लिया आपने बाहर, आपको इसको नहीं लगाना, इसको खोल के डायरेक्ट लगा, इसको साइड कर दो। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो आपने टी लगा रखा है, टी से डिवाइड कर लिया आपने जी जी। और ये तो हो गई आपकी किचन, अब इसमें आपका बेड देख लेते हैं, बेड का थोड़ा सा लगता है आपका फैला हुआ है अभी, नहीं, 2 मिनट, हाँ मैं 1 मिनट रुक लेता हूँ, हाँ जी दो जी, हमारा ये बेड बता रहे थे, 3% आप इसमें सो सकते हैं। अच्छा, ये हमारा
23 इंची के 3 फट्टे लगे हुए हैं। ठीक है, एसएस का इसमें ये फ्रेम बना रखा है आपने, इस पे कोई लोड नहीं है, स्क्वायर का फ्रेम है। ठीक है, सीट पे कोई लोड नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब चाहे इसको निकाल के पीछे कर सकते हैं जी, और पीछे करके 2-5 बंदे इसमें जा सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, अभी हम लोग घर से 2 बंदे आए तो पूरा बेड बना के आए जी जी, अगर हम चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। 5 बंदे तो आप अभी कितने मैडम आई हैं? हम 2 ही हैं। अच्छा आप, हेलो मैडम, ये हमारी मैडम है। तो मेरा नाम सविता दुबे। अरे वाह सविता जी, बद्दी से आए। बद्दी से हैं जी 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 जी। तो आप दोनों ही आए हैं और आप दोनों को अब तो बेड लगा के आना, लगा के आए थे घर से। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी है जी जी जी। हम लोगों का टेंट है ये, अगर 2 बंदे टेंट में सोते हैं। अच्छा, हमारे पास ये गाड़ी है, इसके पास टेंट नहीं था जी जी। अच्छा, टेंट भी लेकर आए एक्स्ट्रा अगर सामान करना। जी जी जी, ये हमारा गद्दे लगाते हैं आराम से रात में जी। बड़ा अच्छा नहीं था, बहुत बढ़िया। ये तो अपना 3.5 फुट पूरा है, 6 फिट ऐसे हो गया जी, 4 फुट ऐसे, 4 फिट ऐसे हो गया। तो ये तो आराम से आप आज रात को अंदर ही सोए थे? अंदर सोए थे। ठंड लगी? बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। बहुत अच्छा लगा, अच्छा मजा आया। आँख खुली, रास्ते में खुलती रही, आते जाते रहे। अच्छा, ये हमारा खाना तैयार हो रहा है, ये हम लोग भी टेस्ट कर सकेंगे। क्वांटिटी में देख रहा हूँ सर। तो अच्छा, अब आपका ये बताइए, वाटर मैनेजमेंट और पावर मैनेजमेंट के बारे में बताइए। वाटर मैनेजमेंट हमारा ये है अपना 20 लीटर कैन लगा हुआ है, 20 लीटर का जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ से हमारा सप्लाई पाइप जाता है, तो ये हमारा पंप लगा हुआ है। ओके, ओ भाई साहब, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यहीं पे अपना यूज करो पानी। हम रास्ते में इसको खोल के चालू कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ सामान निकालने की जरूरत नहीं है सीधा। ये तो आपने अमेजन से, हमारी दुकान में अमेजन, अच्छा उसी से लिया जी। और यहाँ पर गैस का मैनेजमेंट हमारा, यहाँ पर 5 kg का गैस चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ की पाइपलाइन यहाँ से गई। देखिए ये तो बढ़िया हो गया, ये सबसे बढ़िया है अपना। और ये मोटा मोटा, और ये पावर मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं? पावर मैनेजमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक UPS लगाया है, ये UPS है, एक UPS यहाँ लगाए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, दूसरा UPS यहाँ लगाए हुए हैं। अच्छा, अगर हम चाहें तो एक खत्म होता है दूसरा चालू कर सकते हैं, AC और DC दोनों। इसके प्लग ये है, ये AC का प्लग है, एक DC का है। और ये सिगरेट लाइटर भी लगा रखा है, जिससे अपने DC अगर निकालना हो यहाँ से DC निकाल लीजिए, और AC भी हो गया आपका। और ये चार्ज कैसे करते हैं आप? ये सब चार्ज अभी हमारे चार्जर इसमें लगाना है, अभी हम घर से चार्ज करते, 3-4 बैटरियां रखी हुई है। अच्छा, 3-4 बैटरी भी लेकर आए? हाँ जी, इसमें आप सोलर भी लगा रहे? ये सब बैटरियां हैं। हाँ हाँ हाँ, ये 3-4-5 बैटरी। ये क्या रेंज है सर इसकी, कितनी की आती है अंदाजन? सर ये 7-8 रुपए की। बताइए भाई साहब, ये सबसे अच्छी है, पावर बैंक से अच्छा है सर? पावर बैंक से बेटर है ये तो, 10,000 mAh की बेटर। घर जाके अपनी बारी बारी करके चार्ज कर रहा हूँ। चार्ज कर दो, ये तो आप चेंज करके, सही चेंज करते जाओ, ये चार्ज होती जाएगी। वेरी गुड सर, ये भी आइडिया बहुत अच्छा। ये जो हम लोग खरीदते हैं 10,000 mAh के, इससे अच्छा तो ये वाले हैं भाई साहब, देख लो, इनको दिखा देता हूँ मैं आपको। UPS की बैटरी है ये, बताइए, ये बैटरी इनकी बहुत बढ़िया। UPS की बैटरी हो गई, और 2 UPS हम लेके आ रहे हैं, 2 UPS हम लेके आ रहे हैं। उसमें क्या है ना, हमारा AC DC दोनों निकल जाता है, AC DC दोनों निकल जाता है। DC की जरूरत पड़ती है, AC की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। टोटल आपका थोड़ा सा आइडिया दीजिए हमारे व्यूअर्स को, लेकर कितना खर्चा आया होगा? टोटल हमारा खर्च मतलब 11,000 ये हो गया, 4,000 का बेड बना है हमारा, 15,000 में हमारा सेटअप। बाकी इसमें सामान जो लगा हुआ है, गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, वो तो अपने वो तो सर नॉर्मल ही होता, सबका ही होता है। ये लग गया, और बाकी आपका ये जो हमारे वाटर मैनेजमेंट के लिए तो आपने बता दिया, आपका तो 20 लीटर का कैन जो होता है, और पावर मैनेजमेंट के लिए हाँ पुरानी। अच्छा, अच्छा घर भी थी ये, बहुत बढ़िया, घर वाली चीज काम। बैटरी कोई नई बैटरी सिर्फ एक भी लगी हुई, बाकी सब पुरानी बैटरी है सर। एक घर की 100 रुपए की भी। बताइए बताइए सर, वो आपको DC निकालेगी आराम से। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये इन्होंने किया कैरेंस है जी, इसमें भी इन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया, और इजी वे में लाइफ में आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आदमी चाहे तो किसी लेवल में भी आइडिया, मतलब कॉपी तो नहीं करना मैंने आपको, देखिए काम होना है कि चाहे आप 8,000 रुपये का लगाए, 9,000 का, अपने मुताबिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप चाहो तो इसको 6,000 का भी बनवा सकते हो, बट अपने मुताबिक जितना आपको यूज़ करना है। फैमिली के साथ निकलना था तो उन्होंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया, आप चाहो तो छोटा बना लो, लोग इतनी बड़ी बड़ी कवर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया है इनका, छोटा सा आइडिया, बहुत बढ़िया करा दुबे जी। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, एंड आई थिंक काफ़ी लोग आपसे सीखेंगे इस चीज़ को, और आपको फ़ोन करेंगे, नंबर दे दूंगा मैं उनको, बिल्कुल घर बुलाऊंगा उनको, दिखाऊंगा, और जहां बनाए वहां बनवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दुबे जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।